नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सोनभद्र, एक बार फिर आया तीन तलाक का मामला। विवाहिता ने अपने पति पर दहेज के लिए तीन तलाक देने का लगाया आरोप। विवाहिता इरफत जहां पत्नी निशार खान ने पति पर 1,00,000 रुपए मांगने का लगाया आरोप। आरोपी निशार खान पुत्र हसीब खान निवासी बहेरवा गाँव थाना करमा। पति निशार खान ने मारपीट कर दहेज के लिए घर से निकाला। पत्नी के अनुसार शादी में 2,80,000 रुपए दहेज के लिए गए थे, फिर 1,00,000 की मांग पर पति ने दिया तीन तलाक। पति निशार खान दूसरी शादी भी कर चुका है। जून 2020 में युवती का निकाह करमा थाना क्षेत्र के बहेरवा गांव में हुआ था। विवाहिता ने एसपी से गुहार लगाई है और न्याय की मांग की है। करमा थाना क्षेत्र का है यह मामला। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम इरफत जहां है। कहाँ के रहने वाली हो? ग्राम बहेरा, पोस्ट खराही, थाना करमा। क्या तुम्हारा मैटर है? मेरा पति 1,00,000 रुपए मांग रहे थे, नहीं दिए तो उसी पर मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिए। घर से निकालने के बाद 90 नंबर डायल किए तो प्रशासन लोग आए तो मेरी जान बचाई और वो दूसरा शादी भी कर लिए। मेरा पिता शादी में 2,80,000 नगद दहेज दिए थे। जब से शादी हुआ था तब से उन लोग मेरे साथ मारपीट चालू किया था। मेरा शादी 12 जून 2020 में हुआ था। मेरा पति तलाक दिया है 24/3/2021 में। मेरा सब लोग मेरे साथ मारपीट करते रहे।